भारत में लोकतंत्र है, यानी लोगों को अपने लिए अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि, अपनी पसंद की सरकार चुनने का हक है। लेकिन लगता है बीजेपी नेताओं को लोकतंत्र में लोगों को मिली ये आजादी पसंद नहीं आ रही। तभी तो उत्तर प्रदेश के संभल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल में जब एक दिव्यांग ने ये कह दिया कि इस बार चुनाव में वो अखिलेश यादव को वोट देगा, तो बीजेपी नेता ने उसकी बुरी तरीके से डंडे से पिटाई कर डाली। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी नेता जिनके हाथ में डंडा है और सामने खड़ा हुआ है दिव्यांग, यहां तक कि इन्होंने बीच बचाव करने आए पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। दिव्यांग को बेदर्दी से पीटने वाले नेताजी का नाम है मोहम्मद मियां। ये घटना 24 दिसंबर की बताई जा रही है, मतलब कल की है। नेताजी का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोग जमकर अब इनकी आलोचना कर रहे हैं। तो बीजेपी नेता मोहम्मद मियां पर आरोप, दिव्यांग ने कहा था कि इस बार चुनाव में अखिलेश को वोट देगा, तो देखिए कैसे नेताजी डंडे का जोर दिखा रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता उबैदुर रहमान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उबैदुर रहमान, क्या जानकारी इस पूरी घटना के बारे में मिल पा रही है? किस स्तर के बीजेपी के ये नेता हैं और इतना गुस्सा नेताजी को क्यों आ गया? रोमाना, ये संभल के असमोली कस्बे के रहने वाले हैं मोहम्मद मियां। ये किसी काम से कल गए हुए थे संभल में एसडीएम ऑफिस। एसडीएम ऑफिस के बाहर ये युवक, विकलांग युवक जो है वो वहां पर कुछ बोल रहा था कि अखिलेश यादव को वोट देंगे। इस बात से नाराज होकर के मोहम्मद मियां ने डंडे से इस युवक का मुंह बंद करने की कोशिश की, बंद ताकि वो अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त ना कर सके। इस मामले में हमने पुलिस से बात की। संभल पुलिस का कहना है कि युवक